गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले संस्कृत पढ़ेंगे। संस्कृत में चैप्टर 4 विद्यार्थी जीवनम, यानी प्रस्तुत पाठ में विद्यार्थी जीवन का अनूठा वर्णन किया गया है। छात्र जीवनम मानव जीवनस स्वर्ण कालम अस्ति, विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का स्वर्ण काल है। अस्मिन् काले एव मानव जीवनस्य निर्माणं भवति, इस काल में ही यानी इस समय ही मानव जीवन का क्या होता है, मानव जीवन का निर्माण होता है। यतश्च अस्मिन् काले छात्रा यादृशं वृत्तं समुपचिनोति तनैव सा स्वजीवन यात्राया निर्वाहं करोति, क्योंकि इस समय यतश्च माने क्योंकि, अस्मिन् माने इस समय छात्र जैसे आचरण का चुनाव करता है, इस समय छात्र यानी इस काल में छात्र जैसे चुनाव का आचरण करता है वैसे ही वह जीवन गुजारता है। तनैव सा जीवन यात्राया निर्वाहं करोति, वैसा ही वह जीवन गुजारता है। विद्याधनं विद्यार्थी जीवनस प्रथमं कर्तव्यम अस्ति, विद्याध्ययन विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य है। विद्याध्ययनम विद्यार्थी जीवनस्य प्रथमं कर्तव्यम अस्ति, विद्याध्ययन विद्यार्थी जीवन का प्रथम कर्तव्य है। विद्याध्ययन काला तपस्या काला एव वर्तते, विद्याध्ययन काल ही तपस्या काल होता है। विद्याध्ययन काला तपस्या काला एव वर्तते, यानी कि विद्याध्ययन काल ही तपस्या काल होता है। अतः अस्मिन् काले सर्वाणि सुखानि विहाय विद्याया अध्ययनमेव छात्रस्य कर्तव्यं स्यात्, इसलिए इस काल में, अतः माने इसलिए, अस्मिन् माने इस काल माने समय, अतः इस समय सभी सुखों को छोड़कर, सर्वाणि सुखानि यानी सभी सुखों को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, सभी सुखों को छोड़कर विद्या का अध्ययन ही छात्र का कर्तव्य होना चाहिए। विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकम् अस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठियो, यानी विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थिनां कृते इदम् आवश्यकमस्ति यत् ते सर्वदा गुरु अनुशासने तिष्ठियो, विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें सदैव गुरु के पास रहना चाहिए। गुरुणां सेवां सम्मानम आज्ञापालनम च तेषां परम कर्तव्यम वर्तते, गुरुजनों की सेवा, गुरुणाम सेवाम गुरुजनों की सेवा, सम्मानम आज्ञापालनम सम्मान और आज्ञा का पालन करना क्या है, उनका परम कर्तव्य है। गुरु अनुशासने स्थित्वा तस्य अज्ञा सर्वाणि कार्याणि नियमेन करणीयानि समस्यस दुरुपयोगः कदापि न करणीयः, गुरु के पास बैठकर उनकी आज्ञा से सब कार्य नियमकार करणीयानि नियम पूर्वक करने चाहिए। समस्त दुरुपयोग कदापि ना करनी है, समय का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए, यानी समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वासा विद्यार्थिनम विद्यार्थिना जीवनस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति, विद्यार्थियों के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आत्मविश्वास है।
अतः ते सदैव आत्मविकसाय पर्यंत्रता भवेयु विद्यार्थिनां कर्तव्य विषये केनापि कविना उक्तम अस्ति। विद्यार्थियों के कर्तव्य के विषय में किसी कवि ने कहा है, किसी कवि ने क्या कहा है, काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कौवे जैसी चेष्टा, काक मने कौवा, कौवे जैसी चेष्टा, बको ध्यानम बगुला जैसा ध्यान, श्वान निद्रा तथैव च कुत्ते की तरह, श्वान मने कुत्ते की तरह नींद, अल्पाहारी, अल्पाहारी मने कम भोजन करना, गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम तथा घर का त्याग करना, विद्यार्थी के ये पांच लक्षण, पांच गुण हैं। विद्यार्थी सदैव काकवत चेष्टां कुर्यात्, विद्यार्थी को सदैव, अब क्या करना चाहिए, विद्यार्थी को सदैव कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए। यथा बका ध्यान ध्यान ध्यानावस्थितो तिष्ठति तथैव छात्रोपि विद्याधने ध्यानवस्थितो भवेत्। जिस प्रकार बगुला का ध्यान, यथा माने जिस प्रकार बगुला का ध्यान, बगुला ध्यान मग्न में बैठता है, उसी प्रकार छात्र को भी, छात्रोपि मतलब छात्र को भी विद्याधने ध्यानवस्थितो भवेत्, छात्र को भी विद्या अध्ययन में ध्यान मग्न होना चाहिए। यथा श्वाना स्वल्पमम एव शैन्यम करोति, जिस प्रकार कुत्ता बहुत थोड़ी देर सोता है, स्वल्पम माने बहुत थोड़ी देर सोता है, उसी प्रकार छात्र को भी, तथैव छात्रोपि स्वल्प शयनम कुर्यात्, उसी प्रकार छात्र को भी थोड़ी देर सोना चाहिए। अधिकाहारेण आलस्यम भवति, अधिक भोजन करने से क्या होता है, आलस होता है। अतः विद्यार्थिनां स्वल्प आहारा एव कर्तव्यम्, अधिक भोजन करने से आलस होता है, इसलिए विद्यार्थी को बहुत थोड़ा ही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालनम तु तेषां कृते सर्वश्रेष्ठकरं विद्यते, ब्रह्मचर्य का पालन तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। एवं सब कर्तव्यम पालनम विद्यार्थी परमोन्नति प्राप्नोतु, इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए विद्यार्थी को श्रेष्ठ उन्नति प्राप्त होती है। समझ में आ गया चैप्टर बच्चों आपको? चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।